Assalamu alaikum, I am Tanveer Safdar. Today we are going to start the remaining part of chapter 1, class 10. Paragraph number is 5. The Rasul sallallahu alaihi wasallam was so well known for his justice that even the Jews who were his bitter enemies brought their suits to him and he decided the cases in accordance with the Jewish law. रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अदल के सबब इतने मशहूर थे कि यहूदी तक जो आपके जानी दुश्मन थे अपने मुकदमात आपके हजूर पेश करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मुकदमात का फ़ैसला यहूदी कानून के मुताबिक फरमा देते। ही स्ट्रिक्टली फॉलोड द कमांडमेंट ऑफ अल्लाह, इफ़ दे कम टू यू आइदर जज बिटवीन देम और डिक्लाइन टू इंटरवीन, इफ़ यू डिक्लाइन दे कैन नॉट हर्ट यू In the least, if you judge iniquity between them, for Allah loves those who judge in equity. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के इस हुक्म पर सख्ती से अमल करते, अगर वो आपके पास हाजिर हों तो या तो उनके दरमियान फैसला फरमा दिया करें या मुदाखलत करने से इनकार फरमा दिया करें। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकार फरमा देंगे तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रा भर नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला फरमाएं तो उनके माबैन इंसाफ के तहत फ़ैसला फरमाएं, क्योंकि अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत फरमाता है जो इंसाफ के तहत फ़ैसला करते हैं। जस्टिस डिमांड दैट इट शुड बी अपहेल्ड इन ऑल द सर्कमस्टेंसेस इवन इफ इट गोज अगेंस्ट वंस ओन सेल्फ और वंस फैमिली और रिलेशंस। इंसाफ का तकाजा है कि उसे तमाम हालात में बरकरार रखा जाए, यहाँ तक कि चाहे ये हमारे अपने कुंबे के या कराबेदारों के खिलाफ ही क्यों ना हो। हज़रत मोहम्मद ऑल ऑफ हिज लाइफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज अदर पीपल्स अफेयर्स विद जस्टिस एंड टोल्ड हिज कंपेनियंस टू बी जस्ट। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों के मामलात की इंसाफ से मुनसिफी की और अपने रफ़का को आदिल रहने को कहा। इट इज़ रिपोर्टेड बाय हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा दैट रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड टू हिम, व्हेन टू मेन कम टू यू फॉर जजमेंट नेवर डिसाइड इन फेवर ऑफ वन विदाउट हियरिंग द आर्गूमेंट्स ऑफ द अदर, इट इज़ एंड मोस्ट लाइकली दैट यू विल नो द ट्रूथ। हज़रत अली तआला ने रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, जब दो आदमी तुम्हारे पास मुनसिफी के लिए आएँ तो दूसरे के दलाल सुने बगैर पहले के हक में फ़ैसला कभी ना देना, तभी इस बात का कभी इम्कान है कि तुम सच्चाई जान लो। हज़रत मुआविया तआला रिपोर्टेड अल्लाह रसूल एज़ सेइंग, एनी रूलर और जज हु क्लोजेज हिज डोर ऑन द पुअर द नीडी एंड द डेस्टिट्यूट, अल्लाह क्लोजेज हिज डोर ऑन हिम व्हेन ही बिकम्स नीडी एंड डेस्टिट्यूट। हज़रत मुआविया तआला रिवायत करती हैं कि उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जब कोई हुक्मरान मुनसिफ गरीबों ज़रूरतमंदों और मोहताजों पर अपना दरवाज़ा बंद कर देता है तो अल्लाह ताला उस पर उस वक्त अपना दरवाज़ा बंद करता है जब वो ज़रूरतमंद और मोहताज हो जाता है। वाइल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ ऑन हिज डेथ बेड ही प्रोक्लेम, इफ़ आई ओड समथिंग टू एनीवन और इफ़ आई रॉन्ग एनी पर्सन और डैमेज एनीवन्स प्रॉपर्टी और ऑनर, माई पर्सन माई ऑनर एंड माई प्रॉपर्टी आर हियर, ही मे टेक रिवेंज ऑन मी इन दिस वर्ल्ड। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तरे मर्ग पर थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, अगर मैं किसी का कर्ज़दार हूँ या मैंने किसी से ज़्यादती की हो या किसी की जायदाद या वक़ार को नुकसान पहुँचाया हो तो मेरी ज़ात मेरी इज़्ज़त और मेरी जायदाद यहाँ मौजूद हैं, वो इस दुनिया में मुझसे बदला ले सकता है। देर वॉज कम्प्लीट साइलेंस, दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी छाई रही। Only one person demanded a few dirhams which were paid to him. सिर्फ एक शख्स ने चंद दिरहम का मुतालबा किया जो कि उसे अदा कर दिए गए।
Allah Rasul proved by his own example that no one could be more firm to justice than him, even if it was against his own interest or the interest of those who were near and dear to him. Allah ke Rasool sallallahu alaihi wasallam ne apni misal se sabit kar diya ki unse badhkar koi insaaf par dar jane wala nahi, yahan tak ki chahe ye insaaf unke apne ya un logon ke mafad ke khilaf ho jo aapke aziz o karib the. He decided every case brought to him by friend or foe with justice, without fear or favor. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर किसी खौफ या जानबदारी के हर उस मामले का फैसला इंसाफ से फरमाया जो आप तक लाया गया, लाने वाला चाहे दोस्त था या दुश्मन. A person of such magnitude transcends the barriers of time and space. इतनी अजमत वाला इंसान वक्त और जगह की बंदिशों से मावरा होता है, आगे निकल जाता है, आज़ाद होता है. People of all ages can find something in his life to provide them with guidance in their various fields of activity. तमाम जानों के इंसानों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से कुछ ऐसा ज़रूर मिल जाता है जो उनकी सरगर्मी के मुख्तलिफ मैदान अमल में उनको रहनुमाई बहम पहुँचाता है. The Holy Quran clearly mentions this aspect of his life. Indeed, in the Rasul of Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you have a good example to follow for him who hopes for the meeting with Allah in the last day and remembers Allah much. Quran Pak aap sallallahu alaihi wasallam ki zindagi ke is pehlu ka wazeh tazkira karta hai. Beshak tum logon ke liye, यानी उस शख्स के लिए जो अल्लाह से डरता है और यूँ में आखिरत पर ईमान रखता हो और कसरत से जिक्र इलाही करता हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में बेहतरीन नमूना है.